नमस्कार, रोजगार समाचार में आपका स्वागत है। आज के रोजगार में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ भारत सरकार के कंपनी राइट्स लिमिटेड की ओर से दो पोस्ट, जिसमें प्रबंधक और अभियंता की पोस्ट आई हुई है। आवेदन करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको जाना है RITES.com पे। यहाँ के जाने के बाद करियर सेक्शन में जाके आपको आवेदन करना है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड भारत सरकार के एक उद्योग की तरफ से आपको ये 20 पोस्ट पे आपको रिक्रूटमेंट आई है, जिसमें इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, एडवांस इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एम्बेडेड सिस्टम एंड PCB एंड सर्किट डिजाइनिंग, एम्बेडेड सिस्टम डेवलपमेंट बोर्ड्स, ट्रेनिंग ऑन इलेक्ट्रिकल ऑटो कैड, इस तरह के आपको पूरे देख सकते हैं टेक्निकल चीज़ें हैं। योग्यता चाहिए 8वीं 10वीं 12वीं डिप्लोमा BTech डिग्री, GST अतिरिक्त एवं प्लेसमेंट सहायता के लिए यहाँ ये सब चीज़ दिया गया है। और आपको आवेदन करने के लिए क्या कैसे करना है, आपको ये पूरा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, आप यहाँ सब चीज़ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की ओर से आपको यहाँ पे पोस्ट आया हुआ है, जिसमें आपको स्टाफ कार ड्राइवर के लिए एक पोस्ट है, जिसमें आपको आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए आपको यहाँ सब जानकारी दी गई है, आप इस पर कर सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE की ओर से आपको 1, 2, 3, 4, 5 पोस्ट आए हुए हैं, जिसमें कि पदों की संख्या यहाँ देख सकते हैं। अपर आंतरिक लेखा परीक्षक, वित्त सलाहकार, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, अपर सचिव राजभाषा, वरिष्ठ अनुवादक अधिकारी, अनुभाग अधिकारी विधिक, आपको दिल्ली में पूरी पोस्टिंग होनी है। प्रारंभ होने की तिथि 21/8/2023 है, अंतिम तिथि 29/9/2023 है। आवेदन करने के लिए आपको यहाँ CBSE.NIC.in पर जाना है, आवेदन करना है। ठीक है, चलिए अगले रिक्रूटमेंट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे है फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा योग्य पेशेवरों की नियुक्ति, शैक्षणिक योग्यता पद दिया गया, शिक्षण पद यहाँ पे भौतिक एवं रासायनिक प्रयोगशालाएं पद 9 है, शिक्षण पद 41 है, प्रबंधकीय पद 6 है, प्रशासनिक सहायता संवर्ग पद 6 है। और आपको आवेदन करने के लिए जाना है FDDIINDI.com पर, और यहाँ पर आके आपको आवेदन करना है। नवोदय विद्यालय समिति की ओर से भी एक आवेदन आया हुआ है, सहायक आयुक्त वित्त एक पद पर नियुक्ति होनी है, navoday.gov.in पे आपको जाके आवेदन करना है। मुख्य सिग्नल अधिकारी पश्चिम बंगाल पे कमान पिन मार्फत इतना के तहत आपको आवेदन आए हुए हैं, जो कि पोस्ट आप यहाँ देख सकते हैं, सारा कुछ जानकारी यहाँ दी गई है। आवेदन करने के लिए आपको करना क्या है, आवेदन करने के लिए आपको जाना है इस वेबसाइट पर, और वेबसाइट पर जाने के बाद आपको आवेदन करना है। यहाँ पे वेबसाइट डिटेल आपको दिया गया है, वेबसाइट डिटेल मैं आपको बता दे रहा हूँ। रोजगार सूचना, तमाम तरह की जानकारी यहाँ दी गई है, वेबसाइट की जानकारी यहाँ पे, कॉलिंग नंबर सिर्फ दिया गया, वेबसाइट डिटेल नहीं दी गई है। ओके, वेबसाइट इसमें नहीं है, यहाँ पे आपको इसी सबसे जानकारी से यहीं पे आप आवेदन, महत्वपूर्ण सूचना आपको यहाँ दिया गया, इसी पे आपको आवेदन करना है। ठीक है, गूगल पर जाके आपको आवेदन टाइप करना है, मुख्य सिग्नल अधिकारी पश्चिमी कमान, उसके बाद आपको रोजगार सूचना जो उसका वेबसाइट है वहाँ जाके आपको आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला है आपको भारत सरकार का उपकरण है, आपको इसमें यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है, कुल 19 पोस्ट है जिसके ट्रेनिंग है सर, आपको उसमें दिया जा रहा है। इसमें आपको एक वर्ष के लिए शुल्क कितना कितना है, कौन कौन कर सकते हैं, उसके लिए आपको भारत सरकार की ओर से ही दिया जा रहा है। आवेदन करने के लिए NSIC.co.in पर जाना है। राष्ट्रीय न्यास की ओर से आपको पोस्ट निकला हुआ, BTech कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी या MSc या किसी अन्य समकक्ष डिग्री में PHP, आपको ये तमाम ये एक्सपीरियंस मांगा गया, कार्य का विवरण यहाँ दिया गया, 60,000 सैलरी दिए गए। अप्लाई करने के लिए thenationaltrust.gov.in पे आपको जाके आवेदन करना है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मंगलगिरी आंध्र प्रदेश में आपको आवेदन निकला हुआ है। आवेदन करने के लिए आपको यहाँ इतने पोस्ट है, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी, प्राचार्य का व्यक्तिगत सहायक, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा सामाजिक सेवा सहायक, व्यक्तिगत सहायक, पुस्तकालय Grade 3, पुस्तकालय प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रवर श्रेणी लिपिक और प्रयोगशाला परिचर। आवेदन करने के लिए aims@mangalgiri.edu.in पर जाना है। दूसरा यहाँ पर यह दिया recruitment.nonfaculty@aimsmangalgiri.edu.in पर जाके आपको आवेदन करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको जो पोस्ट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गुवाहाटी की तरफ से पोस्ट है, जिसमें चिकित्सा अधीक्षक से लेकर 12 पोस्ट आपको कुल सचिव, कार्यकारी अभियंता, विद्युत सहायक, प्रक्ष परीक्षा नियंत्रक, नर्सिंग अधीक्षक, लेखा अधिकारी, पुस्तकालय अध्यक्ष Grade 1, कार्यालय अधीक्षक, निजी सहायक, प्राचार्य, एस के लिए अवर श्रेणी लिपिक, इन सब पोस्ट पर आपको आवेदन आया हुआ है। आवेदन करने के लिए aims@guwahati.ac.in पे आपको जाना है। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो रही है। ICMR RRMRCNE में आपको पोस्ट आया हुआ है, तकनीकी सहायक से लेकर ग्रुप बी
गैर मंत्रालय ही और तमाम तरह के पोस्ट यहाँ दिए हुए हैं जिसमें आवेदन करने के लिए आपको जाना होगा rmrcne.org.in पे जाकर आपको आवेदन करना होगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की ओर से भी आपको पोस्ट आया हुआ है जिसमें आपको एसोसिएट प्रोफेसर और लाइब्रेरी के लिए पोस्ट है जिसमें nidm.gov.in पे आवेदन करना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से आपको पोस्ट आए हुए हैं जिसमें आप यहाँ देखेंगे सब तमाम तरह की जानकारी सब कुछ दी गई है, पेज 29 पर आपको पूरा डिटेल दिया गया है और यहाँ जाके आप आवेदन करिएगा, ठीक है। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ मैं आगे। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की ओर से आपको पोस्ट आया हुआ कार्यालय अधीक्षक, यहाँ आप आवेदन करेंगे। आवेदन करने के लिए cdscu.gov.in पर जाना। मुख्यालय तटरक्षक क्षेत्र एंड एन पोर्ट ब्लेयर में पोस्ट आए हुए हैं। इंडिया कोस्ट गार्ड .gov.in पर आपको पोस्ट आवेदन करना है। पेज नंबर 28 का सीज यहाँ दिया गया है, ठीक है। अब आपको मुख्य ये आपको यहाँ पे जो मैंने 28 में बताया था उसका पोस्ट यहाँ पे आपको दिया गया, यहाँ पे अप्लाई करना है जो पहले बताया था। उसके बाद रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय की ओर से पोस्ट आया हुआ ड्राफ्टमैन, आप तमाम तरह की चीज़ें पोस्ट हैं यहाँ पे देख सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ है, लोअर डिवीजन क्लर्क है। cdm.ap.nic.in पर जाकर आपको आवेदन करना है, ठीक है। चलिए आगे लेके चलता हूँ। आगे आपके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो पोस्ट आपको पीछे बताया था उसकी और जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं। पेज 31 पर पूरा डिटेल में दिया गया है। चलिए ये आपको दिखा दूँ, मैं सब कुछ बता देता हूँ। पहले ये रहा आपका जो पिछले का मैंने बताया था वो, इसका सारा जानकारी यहाँ है। अब NTPC लिमिटेड में आपको पोस्ट आए हुए हैं। कार्यपालक कार्बन ट्रेडिंग के लिए एक पोस्ट आया हुआ जो आवेदन करने के लिए आपको careers.ntpc.co.in पे जाके आपको आवेदन करना है, ठीक है। चलिए अब आगे लेके चलता हूँ। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की ओर से आपको पोस्ट आया हुआ जिसमें विज्ञान संचार में 2 वर्षीय MTech पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आपको निकला हुआ है। यहाँ पर ncsm.gov.in पे जाकर आवेदन करना है। इकॉन लुधियाना रूपना हाईवे लिमिटेड के लिए तो पोस्ट आया हुआ, वित्त सहायक कर्मी 36,000 सैलरी मिलेगी। ircun.org पे आपको जाकर पोस्ट करना है। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति की तरफ से उपायुक्त का पोस्ट आया हुआ है जिसमें आपको emrs.tribal.gov.in पे जाकर आवेदन करना है। सैनिक स्कूल झांसी उत्तर प्रदेश में आपको कला शिक्षक, संगीत शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, कार्यालय अधीक्षक, कौंसलर, प्रयोगशाला सहायक के लिए पोस्ट आया हुआ जिसमें सैनिक स्कूल झांसी.com पे जाकर आपको आवेदन करना है। भारतीय विमान पत्तन आर्थिक विमानक प्राधिकरण की तरफ से पोस्ट आया हुआ जिसमें आपको aera.gov.in पे जाकर आवेदन करना है, ठीक है। आने वाले समय में कोशिश करूँगा दोस्तों कि पर्टिकुलरली जितने भी इंस्टीट्यूट या जितने भी सरकारी जगहों पर नियुक्ति निकल रही है मैं वैसे ही बताऊँगा। अगर आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको इस तरह के चाहिए या फिर जैसे मैं अभी बता रहा हूँ इस तरह के चाहिए तो मैं उस तरह से काम करूँगा, ठीक है। विशाखापट्टनम विशेष आर्थिक जोन के तहत पोस्ट आया हुआ जिसमें कि मूल्यांकनकर्ता, प्राधिकृत, उन्मूलक अधिकारी 2 पोस्ट आया हुआ जिसमें आपको आवेदन करने के लिए करना कुछ नहीं है। आपको सिंपली जाना है संबंधित वेबसाइट पर और वहाँ जाके आपको आवेदन करना है, ठीक है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की ओर से पोस्ट आया जिसमें aims.exams.ac.in पर जाके आपको चीज़ें भरनी है और यहाँ जाके आवेदन करना है आपको, हो गया। चलिए आगे लेके चलता हूँ। आगे जो है आपका पोस्ट राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड की ओर से पोस्ट आया हुआ कार्यकारी निदेशक से लेकर कार्यकारी निदेशक, वरिष्ठ कार्यकारी, वरिष्ठ कार्यकारी, वरिष्ठ कार्यकारी, कार्यकारी आपको पोस्ट आया हुआ nfdv.gov.in पे आपको पोस्ट करना है। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के ओर से वैज्ञानिक सहायक के लिए पोस्ट आया जिसमें आपको आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन करने के लिए tifrs.res.in पे आवेदन करना है। CISR इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योमेट्रिक्स इंटरग्रेटिव बायोलॉजी की तरफ से पोस्ट आया हुआ जिसमें तकनीकी सहायक 6 पद, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी 1 पोस्ट, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी 2 पोस्ट, igib.res.in पे आपको आवेदन करना है, ठीक है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की ओर से आपको पोस्ट आया हुआ जिसमें आपको cgat.gov.in पर जाके आपको आवेदन करना है, ठीक है। वैमानिकीय विकास संस्थान की ओर से आपको पोस्ट आया हुआ जिसमें आपको आवेदन करने के लिए rac.gov.in पर आपको जाना है। अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक सर्वन निशक्ता संस्थान दिव्यांगजन के लिए पोस्ट आया हुआ जिसमें रीडर प्रशिक्षण अधिकारी, पुनर्वास अधिकारी, विस्तार सेवा अधिकारी, लेखाधिकारी, विस्तार सेवा सहायक के लिए पोस्ट आया हुआ, ठीक है। aygnihh.nic.in पर जाके आवेदन करना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो पोस्ट है भारत डायनामिक्स लिमिटेड की ओर से आपको पोस्ट आया हुआ है जिसमें आपको आवेदन करने के लिए करना क्या होगा, आपको जाना पड़ेगा इस संबंधित वेबसाइट पे और वहाँ जाके आपको आवेदन करना है। डिटेल आगे दिया गया, ये रहा बहुत बड़ा पोस्ट है, आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए 3 पोस्ट में 3 उसमें आया हुआ है तो आपको मैं वेबसाइट बता दे रहा हूँ bdl-india.in पे जाके आवेदन करेंगे। बड़ा पोस्ट है, बहुत सारे अलग अलग पोस्ट आए हुए हैं तो आप उसको जाके वहाँ आवेदन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में कुछ और चीज़ें आपको निकले हुए पोस्ट आप देख सकते हैं, सारा कुछ यहाँ जानकारी दी गई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कुछ चीज़ें निकले हुए पोस्ट निकले हुए हैं वो भी आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है।
और आवेदन करने के लिए आपको करना क्या होगा, आवेदन करने के लिए आपको उनके संबंधित वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के तहत आपको प्रयोगशाला तकनीशियन का पोस्ट निकला हुआ handlooms.nic.in पर जाकर आपको आवेदन करना है, ओके। और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की तरफ से पोस्ट आया हुआ है, आप इसमें जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए sezindia.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय बहुत दिव्यांगजन के लिए पोस्ट निकला हुआ लेक्चरर नैदानिक के लिए nipmd.tn.nic.in पर आप आवेदन करना है, ओके, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बहुत सारी पोस्ट की जानकारी दी है। कुछ और पोस्ट आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें कि शोध सहयोगी के लिए रक्षा अनुसंधान विकास संगठन में पोस्ट निकले हुए, यहाँ भी आवेदन कर सकते हैं आप। आवेदन करने के लिए drdo.gov.in पे जाके आपको आवेदन करना है, जिसमें आपको कनिष्ठ शोध अध्येता JRF और आपको इस तरह के पोस्ट निकले हुए हैं, ठीक है। बाकी सैनिक स्कूल अमरावती नगर में भी आपको पोस्ट निकले हुए 3-4 पोस्ट, आपको schoolamravatinagar.edu.in पे आपको आवेदन करना है, ठीक है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी कुछ पोस्ट निकले हुए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल .edu.in पे आकर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके लिए बहुत सारे पोस्ट मैंने अभी बता दिए हैं, और भी कुछ पोस्ट यहाँ पे देख रहे होंगे। सशस्त्र बल अधिकरणों के अंतर्गत पोस्ट हैं जो कि इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना है। पूर्वोत्तर आयुर्वेद होम्योपैथी संस्थान की ओर से आपको कुछ पोस्ट आए हुए हैं जो कि आपको यहाँ इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना है। सैनिक स्कूल नालंदा की तरफ से आपको कुछ पोस्ट आए हुए हैं जिसको आप आवेदन करने के लिए यहाँ जाएंगे sainikschoolnalanda.edu.in पर, ठीक है। आर्ट मास्टर के लिए आया हुआ है। और भारतीय नौसेना में असैनिक कर्मचारियों की भर्ती के लिए आपको पोस्ट आए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सब चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। आप इसको भी आवेदन कर सकते हैं, मानव व्यवहार और चीज़ों में भी आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैंने बहुत सारे रोजगार समाचार अभी दिए, आगे भी इस तरह के समाचार के लिए कोशिश करूँगा कि पर्टिकुलर समाचार आपके तक लेके आऊँ। फिलहाल आप भी मुझे बताएं कि इस तरह के समाचार आपको देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।